एम्बियंस जो है पूरा एकदम नॉर्थ इंडियन बेस्ड है, जैसे कि तो भाई कुछ खा लिया तो देख सकते हो कितना बड़ा है, आपको कोई रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगा पटना के। यहाँ पे बाहर का व्यू काफी अच्छा मिलने वाला है आप लोगों को जैसे। सो हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक और न्यू धमाकेदार वीडियो में। तो गाइस थंबनेल और कैप्शन देखे तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड होने वाला है। तो अभी हम लोग हैं सगुना मोड़ पे और सगुना मोड़ धीरे धीरे काफी हाईलाइटेड होते जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे काफी हाईटेक रेस्टोरेंट खुल चुका है, जिसमें से एक ऐड होने जा रहा है पिंड बालूची, जो कि बिहार की राजधानी पटना में पहली बार खुला है। इसका एम्बियंस जो है पूरा एकदम नॉर्थ इंडियन बेस्ड है, जैसे कि बहुत अच्छे से इसको डिजाइन किया गया है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे बैंगल्स वगैरह से एकदम काफी अच्छे से डिजाइन किया गया है, बीच में विलेज टाइप फाउंटेन वगैरह भी बनाया गया है। तो आज हम लोग आ चुके हैं इस रेस्टोरेंट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो चलिए यहाँ पे कुछ फूड ऑर्डर करते हैं और टेस्ट करके बताते हैं कैसा होता है टेस्ट। और लोकेशन का बात करें तो लोकेशन आपको बताते हैं वीडियो में, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, तो लोकेशन का बात करें तो सगुना मोड़ से थोड़ा सा आगे आने के बाद आपको यहाँ पे समय हॉस्पिटल मिलेगा, उसी के जस्ट बगल में 6th फ्लोर पे ये पिंड बालूची ट्रेंड्स के ऊपर, और इसमें जाने का रास्ता आप यहाँ पे लेफ्ट साइड से देख सकते हो, यहाँ पे लिफ्ट लगी है। तो चलिए आप लोग को लेके चलते हैं ऊपर में। तो गाइस, तो ये ट्रेंड्स और इधर से जाने का रास्ता है, यहाँ पे आपको भैया मिलेंगे बाहर, तो अगर आप लोग को कोई दिक्कत होगा तो आप इनसे पूछ सकते हो। यहाँ पे काफ़ी अच्छी एक मूर्ति बनाई गई है, तो चलिए ले चलते हैं आपको सीधा लिफ्ट से ऊपर। तो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं लिफ्ट के अंदर, तो चलिए ले चलते हैं आपको 6th फ्लोर पे। ये 6th फ्लोर पे है और एम्बियंस का एक आपको जर्नी देते हैं, दिखाते हैं सिनेमेटिक शॉट्स। सो गाइस, तो यही है वो रेस्टोरेंट और बाहर का आप जिसका लुक देख सकते हो, तो चलिए चलते हैं अंदर। तो वैसे सिर्फ नाम का विलेज रेस्टोरेंट नहीं है, यहाँ पे नॉर्थ इंडियन के विलेज बेस्ड आपको बहुत अच्छे अच्छे चीज़ को, बहुत चीज़ के बेस पे इसको बनाया भी गया है। जैसे आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे पुराने ज़माने के जैसा फाउंटेन रहता था पहले पानी निकालने वाला, वो भी यहाँ पे लगाया गया है, जिससे बिजली भी जनरेट होती थी पहले के ज़माने में। तो चलिए आपको और उधर का एम्बियंस का लुक देते हैं। तो गाइस, तो यही अंजीत भैया हमारे यहाँ के मैनेजर। तो भैया थोड़ा बताओ थोड़ा थीम वगैरह के बारे में, या जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं सेलिब्रेट करना चाहते हैं बर्थडे वगैरह, और क्या क्या आपके पास अवेलेबल है ऑप्शंस में? हमारा पिंड बालूची रेस्टोरेंट जो है एक ये देश का बहुत ही नॉर्थ इंडियन खाने के लिए बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है। ये आपका शहर बिहार में जो राजधानी आपका पटना है यहाँ पे पहला रेस्टोरेंट होगा। हमारे पास कई तरह की सीटिंग है, जैसे 15 से 20 लोगों के लिए अगर आप अपने फैमिली के साथ गेट टुगेदर करना चाहते हैं तो हमारे पास स्पेशल अरेंजमेंट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आइए, जैसे ये है हमारा 10 से 15 लोगों के लिए जो आपका बर्थडे पार्टी या किसी भी तरह का गेट टुगेदर अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं, और एक ये है हमारे 20 लोगों के लिए स्पेशल है ये साहब, आपको एक्सक्लूसिव मिलेगा, इसके अंदर सिर्फ आपकी फैमिली के लोग रहेंगे और एक स्टाफ जो आपको सर्व करेगा। किसी को भी एनिवर्सरी या बर्थडे सेलिब्रेट करना है तो काफी अच्छा प्लेस है ये, बहुत अच्छा प्लेस है। आपको बिल्कुल फीलिंग जो है बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप अपने घर में, और आप एक बहुत प्रीमियम का सर्विस का हमारा है। बाकी सीटिंग हमारे पास ये भी है, ओपन सीटिंग है यहाँ पे, और ये राउंड टेबल सीटिंग है, जैसे आप जैसे कोई अपना मीटिंग करना चाहते हैं बिजनेस रिलेटेड या किसी प्रकार का। ये पर्सनली मेरे को बहुत अच्छा लगा था, अगर कोई जॉइंट फैमिली है तो आके यहाँ पे अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं। और उस साइड बाहर का लोकेशन, वो आपको व्यू दिखेगा यहाँ से, अगर आप बैठेंगे हाइट पे तो आपको दानापुर का पूरा व्यू दिखेगा जो भी यहाँ पे है। और बाकी हमारे पास नॉर्थ इंडियन फूड का स्पेशलाइज है हमारा सारा, तो आपको सारा जैसे हमारा जो भी नॉर्थ इंडियन फूड है जैसे दही के कबाब है, बटर चिकन है, दाल मखनी है, आपको एक्सक्लूसिव मिलेगा और आपको टेस्ट जो है बहुत अच्छा लगेगा यहाँ का। मतलब ये पूरी बेसिस है, मतलब कि नॉर्थ इंडियन बेस पे ही बनाया गया है विलेज रेस्टोरेंट टाइप का, जैसे कि आप लोग यहाँ पे सबका थीम भी देख सकते हो, काफी एकदम वो लग रहा है विलेज टाइप का, तो ये नहीं कि, और आप बैंगल्स से भी देख सकते हो कितने अच्छे से डिजाइन किया गया है ना भैया। हाँ, पूरा आपको बैंगल्स मिलेंगे, ये ढोल है या पंजाबी, ये आप ये देखिए, आप गर्मी के टाइम में बहुत ही अच्छा आपको फीलिंग मिलेगा, इस तरह से हमारा सेटअप है पूरा। ओके, तो चलिए तो हम लोग अपना कुछ ऑर्डर करते हैं, टेस्ट करते हैं। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज, बहुत वेलकम आपको, हम अपना सिग्नेचर जो भी डिशेज है जिसके लिए हम फेमस है पिंड बालूची, वो आपको हम टेस्ट कराते हैं, आइए।
सो जैसे कि हम लोगों ने आपको एम्बियंस का टूर दे दिया, तो चलिए हम कुछ यहाँ पे फूड ऑर्डर करते हैं, उसको टेस्ट करके बताते हैं कैसे होता है टेस्ट। सो गाइस, तो यहाँ पे हमारा ब्लू डीप सी मोजिटो रेडी हो चुका है, तो चलिए इसको टेस्ट किया जाए। वैसे क्या ही टेस्ट के बारे में बात करें, मॉकटेल तो होता है, काफ़ी रिफ्रेशिंग होता है, तो एकदम रिफ्रेशिंग लग रहा है। जैसे पियोगे सीधा माइंड में लगेगा कि कुछ गया अंदर, ठंडा ठंडा है। तो मिलता है अब सीधा मेन कोर्स के साथ। सो गाइस, यहाँ पे बाहर का व्यू काफ़ी अच्छा मिलने वाला है आप लोगों को, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। सो गाइस, तो ये पिंड बालूची का मेन्यू है, तो देख सकते हो उसको भी काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। ये यहाँ का स्टार्टर्स है और फिर ये मेन कोर्स। तो प्राइस वगैरह का बात करें तो वो भी काफ़ी अफोर्डेबल है, आपको पटना से काफ़ी अच्छा रेट मिलेगा यहाँ पे। सो गाइस, यहाँ पे हमारा दही दा कबाब रेडी हो चुका है और कितने अच्छे से इसको गार्निश वगैरह डेकोरेट करके दिया गया है, तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं। तो भाई, तो टेस्ट का बात करें तो काफ़ी क्रंची लग रहा है और अंदर में सर जो दही डाला गया है, तो मतलब बेसिस नाम इसका दही कबाब ही है, तो अंदर जो दही डाला गया उसका भी टेस्ट काफ़ी सही आ रहा है, एकदम स्वीट जैसा टेस्ट और थोड़ा स्पाइसी भी है, तो काफ़ी सही है टेस्ट और क्रंची है, तो उससे भी टेस्ट अच्छा आ रहा है। और ये देख सकते हो कि कैसे इसको डिज़ाइन करके दिया गया है, शायद ये पापड़ सैलेड है। ऑर्डर करते हैं मेन कोर्स और उसमें टेस्ट करते हैं कैसा होता है उसका टेस्ट। यार, जिजिया जो है पंजाबी थीम का सिग्नेचर डिश है। मशरूम तो कहेगा कि मशरूम को प्याजा, मशरूम मसाला, कढ़ाई मशरूम, ये हर जगह मिलता है, ये हर रेस्टोरेंट में मिल जाएगा। बट ये जो है कुंभ प्याज भुजिया जो है ये पंजाबी थीम में नंबर वन का है। तो वैसे यहाँ पे हमारा आ चुका है मेन कोर्स, जैसे कि हम लोगों ने आपको बता ही दिया, मशरूम, कुंभ प्याज भुजिया और यहाँ पे ये मिसी रोटी है और ये गार्लिक नान। तो चलिए पहले मिसी रोटी के साथ टेस्ट करते हैं। तो रोटी काफ़ी सॉफ्ट है, पीसेस भी काफ़ी देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में है, तो टेस्ट करते हैं। तो ये टेस्ट काफ़ी सही लग रहा है, इस तरह से मेरे को यूनिक लग रहा है, इसके पहले मैंने ऐसा टेस्ट ट्राई नहीं किया है, काफ़ी सही टेस्ट लग रहा है। मसाला वगैरह की बात करें तो वो भी एकदम नॉर्मल है, सब चीज़ सही है, ना ज़्यादा तीखा है ना ज़्यादा कुछ नमकीन, एकदम सही टेस्ट आ रहा है। चलिए गार्लिक नान के साथ टेस्ट किया जाए, देख सकते हो ये भी नान भी काफ़ी सॉफ्ट है। सही है टेस्ट, कोई वैसा नहीं है कि आपको टेस्ट खराब मिलने वाला है। यहाँ पे पंजाब का काफ़ी स्पेशल डिश है ये, जैसे कि अंकल जी ने बताया था, है ना अंकल जी, तो आप लोग आके यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो। वेज भी स्पेशल आइटम बहुत है यहाँ पे, नॉनवेज का भी आइटम है। अगर आपको नॉनवेज का कोई मटेरियल देखना होगा तो मेरे फ्रेंड ने एक नॉनवेज का ब्लॉग बनाया है, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लेना। तो चलिए मिलते हैं, ओवरऑल बताते हैं वीडियो के एंड में। सो गाइस, यहाँ पे हमारा ठंडी खीर रेडी हो चुका है, तो ये भी काफ़ी अच्छे से गार्निश किया गया था, वो तो मैं ऐसे कर दिए तो ख़राब हो गया, काजू वगैरह और बादाम से काफ़ी अच्छे से इसको गार्निश किया गया है, तो चलिए इसको थोड़ा टेस्ट किया जाए। सो गाइस, तो ठंडी की तो टेस्ट कर ली और बाकी सब भी टेस्ट कर लिया हम लोगों ने यहाँ का। तो ओवरऑल का बात करें तो खाना से लेके सर्विस से लेके सब चीज़ एक नंबर है और एम्बियंस आप लोग ने देख ही लिया, काफ़ी अच्छे से इसको डिज़ाइन किया गया है, पूरा नॉर्थ इंडियन बेस्ड है, एकदम सब चीज़ बैंगल्स वगैरह लगाया गया है, काफ़ी सही से डिज़ाइन किया गया है। तो अगर आप लोग भी वैसा कुछ रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हो जहाँ पे आप लोग फैमिली के साथ आ सकते हो या फिर कपल के साथ जो भी, तो आप लोग एक बार जरूर यहाँ पे विजिट करो। पटना जाने का जरूरत नहीं है, सगुना मोड़ पे ही है। लोकेशन का बात करें तो लोकेशन समय हॉस्पिटल के बगल में, और बाकी का फुल लोकेशन का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।